घर से बेघर होने वाला है वो है चंद्रिका दीक्षित। आप गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था ना, मैं बहुत खुश था, उतना ही खुश मैं अब हूँ, क्योंकि इतनी बेसन फेंकूंगी मैं बाहर हो गई। और ये जो खुशी है ना, ये मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी तुम्हें मेरे शक्ल से पता लग रहा होगा कि मेरे को कितनी हैप्पीनेस हो रही है जब ये बाहर निकली है। लेकिन आज की वीडियो दोबारा क्यों, तुम्हें पता है क्यों? व्यूज का चक्कर बाबू भैया। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। नहीं, कोई व्यूज का चक्कर नहीं है। चक्कर इसका है कि जब ये बाहर आई है तो इसके बाद इसने इतने इंटरव्यूज दिए और इतने वाहियात इंटरव्यूज दिए, जिसके बाद मेरा हक बनता था कि मैं एक वीडियो तो बनाऊं। इसलिए एसी कर लो 18 पे लात रख के बैठ जाओ, वीडियो लगा लो टीवी पे ताकि तुम्हें ज्यादा मजा आए। और वीडियो करते हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं विनर हूं इस शो की, क्योंकि चौथे दिन पोलोमी ने मुझसे सॉरी बोला था, साई ने सॉरी बोला था, रणवीर जी ने सॉरी बोला था कि चंद्रिका मानना पड़ेगा भाई, तू लड़की है। क्या बोल रही है, औरतों की मोटिंग कोई लॉजिक नहीं बन रहा तुम्हारी बात का। मान गए तुम लड़की, तुम्हारे पति को पता लगा अभी तक तुम लड़की हो के नहीं? कहीं रिवर्स मोड चल रहा है तुम्हारा। कोई सेंस बन रही है तुम्हारे इस इंटरव्यू की? इनो के नशे करने वाली औरत। मैं विनर हूं क्योंकि चौथे दिन तीन लोगों ने मेरे से सॉरी मांगी, मान गए कि वो लड़की है। कोई सेंस, कोई सर पैर, कोई बाजू, कोई नुन्नू टुई, कुछ बन रहा है? बाहर आ गई है, इसका बटन ही ऑन कर दिया, बोली बोली जा रही, बोली बोली जा रही है। आई एम विनर, सीरियसली अपने आप में विनर हूं। जब लोगों की सोच चेंज हुई है ना मेरे लिए, मैं विनर हूं बॉस। 24 दिन का सफर बाकी है। शो के मिड से भी पहले आउट हुई है। मैं देखिए, आप एक प्रकार का गोया प्रो मैक्स हैं। जब भी आप इंटरव्यू देने आए, मुंह अपना कृपया करके घर पे रख के आए। किसकी सोच चेंज हुई है, कौन है जो बदल के बैठा है? जिनकी सोच चेंज हुई है उन्होंने बिल्कुल सही किया तुम्हें वोट ना देके। इसका जरा इंस्टाग्राम जाके चेक करो, पालिका बाजार में इतने टैटू बनाने वाले लोग नहीं है जितनी गालियां इसको पड़ रही है। मैंने कभी शिवानी को विशाल के साथ उठना बैठना के लिए मना नहीं करा, मैंने अपनी एक राय रखी, क्योंकि जब वो सीन हुआ था उसके दो दिन के बाद मैं उस जगह से हट चुकी थी। शिवानी बहुत अच्छे से, शिवानी हमसे कहा था। देखिए मोहतरमा, युगांडा के किसी आखिरी बेंच पे बैठने वाली बकरी, ये मैं हो गया बहुत ज्यादा। आपकी जो राय है वो उसको सीरियसली आपके पति के अलावा कोई नहीं लेता है, ये आपको आपके कमेंट सेक्शन से पता लग जाएगा। जितनी रोस्ट वीडियोस है उनसे पता लग जाएगा, जितने लोग मीम्स बना रहे हैं उनसे पता लग जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इस प्रकार का एटीट्यूड रखना चाहिए, तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जुत्ती पहन जुत्ती। ये बात गलत है कि मैं किसी की प्रोनंसिएशन पे मजाक बना रहा हूं, बट द थिंग इज एक दो वर्ड्स की खराब हो तो बंदा बर्दाश्त भी कर लेता है, मानो सारे सेंटेंस ही खराब है, मुंह की कर्सिव राइटिंग ही खराब है, लैंग्वेज की अलजेब्रा ही खराब है। मेरे को बहुत पसंद नहीं आया। आथू शिवानी, आप वहां बैठ के कैसे हंस सकती हो? आप उस इंसान को गलत क्यों नहीं बोल रही हो, मुझे बस एक चीज बताओ। क्योंकि वो गलत नहीं था, कुपोषित डॉली बिंद्रा, शी लिटरली थिंक्स के ये सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी में जो सी आता है ना, उसका कुछ अलग मतलब होता है, वो जरूर हो सकते हो लेकिन सेलिब्रिटी नहीं। इसके इंटरव्यूज ले कौन रहा है, क्यों ले रहे हो? वही ठीक है, एक कंटेस्टेंट जो कि डिजर्विंग नहीं है, वो कंटेस्टेंट बन गई, उसके बाद वो आउट हो गई। इंटरव्यूज लेने का क्या लॉजिक बनता है? कौन है ये, कौन है ये स्केयर क्रो की बप्पी लहरी, कौन है? हु इज ही ऑब्लिक शी, कौन है? इसके अलावा एक बंदे ने इनका इंटरव्यू लिया और उसने पूछा कि भाई तुमने अंदर जाके बोला कि मैं एक दिन का 40,000 कमा रही हूं, उसके ऊपर कुछ बोलो। तो आगे से मोहतरमा ने क्या जवाब दिया? बट 40,000 की बात मैं रेडी पे करी थी, उसमें से 20,000 की मेरी वेजिटेबल आ जाती। हाँ, इनके 20,000 की वेजिटेबल आ जाती है, वेजिटेबल, क्योंकि वो सीधा न्यूयॉर्क से किसान इसको पकड़ा के जाते हैं। कोई मिडलमैन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मंडी नहीं, कोई रेडी नहीं, सीधा किसानों से, वो भी अमेरिका से। 20,000 की वेजिटेबल। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तुम्हें से काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और बताया कैसे तुम्हें आर्यन के सॉफ्टवेयर से सक्सेस मिली है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, ये एक टूल है जहां से तुम प्रेडिक्शन करके अच्छा अर्न कर सकते हो। कैसे, वो मैं बताता हूं। वही 6 राउंड्स के लिए प्रेडिक्शन लगाई है मैंने, वो भी 1,000 रुपए का, और जो कोएफिशिएंट है वो है 8.9। अब वेट करते हैं। और ये देखो, एफिशिएंट भी वही निकला जो हमने प्रेडिक्ट किया था, और अब मैंने अर्न किया 7600। आई गेस एक और बार ट्राई करना चाहिए। इस बार हायर प्रेडिक्शन का मैंने वेट किया और मैंने कोएफिशिएंट लगाया 5.54 पे, और इस बार मैं 7500 रुपीज लगा रहा हूं। और हम फिर जीत गए, प्लेन 5.54 पे परफेक्टली लैंड कर गया। इसके बाद हमने कुछ ही मिनट्स में सारे पैसे विड्रॉ कर लिए, और कैसे मैंने 1000 से स्टार्ट किया था और अभी मैंने अर्न किए 39,000। तुम भी अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो, बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है आर्यन के टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाओ, वहां पर पिंड मैसेज आएगा टेक्स्ट मी, उसको क्लिक करो और वहां पर मैसेज भेजो आई एम फ्रॉम नगीना सिटीज चैनल, एंड तुम्हें बस रिप्लाई का वेट करना, दैट्स इट। सारे रूल्स को फॉलो करो और सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में पाओ। मिलते तुम्हें आर्यन के टेलीग्राम चैनल पर।
घर की मेरी वेजिटेबल आ जाती है क्योंकि डेली मैं एक फ्रेश वेजिटेबल यूज करती हूँ। मैं पाव बनवाती हूँ, मैं लादी पाव बनवाती हूँ, उसके लिए मेरी डबल कॉस्टिंग लग जाती है। बस तक के मेरे घर में 10 से 15 हजार रुपया। जब इसके ऊपर पहली वीडियो बनाई थी ना, तब मैंने एक चीज बोली थी, जरा कैलकुलेशन करके तो देखो कितना पैसा कमा रही है और क्या क्या बोल रही है। अब तो इसने खुद बोल दिया कि बच बचा के 10 से 15 हजार आता है। 15 हजार भी छोड़ो, 10 हजार रुपए डेली का लगाओ। अब इसको जरा 30 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना कमा रही है। और फिर फूड ब्लॉगरों के आगे जाके इतनी अमीर होगी मैं, इतने पैसे फेंकू मैं। औरतों की ज़ॉम्बी मैं। देखो जितनी भी मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड देख रही हैं या जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं, फेम को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कुल्लड़ पिज्जा थे, ये थे, इनको फेम मेंटेन करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस लाइन के है ही नहीं है ये। अब ये इंटरव्यूज के पंप में आकर इतना कुछ बोल रही है, इसको नहीं पता उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। जो मुंह में आ रहा बड़बड़ कर रही है। हमसे अरमान के टाइम क्वेश्चन किया गया है, क्या एक पति बाहर भी अपनी पत्नी के लिए यही डिसीजन लेता? तो यस। हाँ, यस यस तो कहानियों में होता है, असली प्रोनंसिएशन है यस। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता कि बिग बॉस घर में हाथ उठाना अलाउड नहीं है, अरमान को बाहर जाना पड़ेगा, हाँ यस यस करा, वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, क्या उसने सही किया? तो हाँ यस। मेरा वाला तो अलग ही कर देता, उसने तो बहुत कम किया। यस मेरा वाला होता तो गाड़ देता। इसको सीरियसली लगता है इसको भी कोई कॉम्प्लीमेंट देगा? सच में ये सोच रही है इसको भी कोई प्रेज करेगा? साला इस चीज को तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक बंदा इसको बोल रहा है यार कितनी सुंदर है, मेरा वाला तो गाड़ देता। जेसी भी चलाता है, खुदाई करता है। चंद्रिका आंटी, आपको घर से दुकान, दुकान से घर ले जाने का काम है उसका। जितना हमने आपको वीडियोस में देखा है, दुकान से पहले रेडी लगाना, उसको सजाने का काम था उसका। उसके अलावा तो आपका पति दिखाई नहीं गई, मेरे वाले तो गाड़ देगा। पहले तो पर ये पर्चा करो, इसने घर में ग्रिजली बियर रखा है, मेरा वाला तो गाड़ देता। मेरे को दिल कच्चा हो गया मेरा सुन के। और जहां तक इसके वाले की बात है, इसके वाले का इंटरव्यू भी आया है। क्यों? क्योंकि कैरी ने इसके ऊपर रोस्ट किया है, उसके ऊपर इन्होंने रिप्लाई सा दिया है, इसने और इसके ग्रिजली बियर ने। तो जरा इसके वाला देख भी लो, जितना तुझे दिखाया तूने उतना बोला है। गर्दन का है, गर्दन कहाँ है, गर्दन किधर है? जब पता है कि इंटरव्यू चल रही है तो गर्दन बंदा लेके आता है। जब पता है कि इतने लोगों ने तुम्हें देखना है, गर्दन लगा के आओ। बिना जाने किसी को गालियां देना वो बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे तो मैं भी इसको उसके बेस पे जज करके बहुत गंदी गंदी गालियां दे सकता हूँ। तो दे दो दरियाई घोड़ा साहब, दे दो। आपको किसने रोका? आप भी गाली दे दो। एक होता किसी इंडिविजुअल को गाली देना, एक होता है सेंटेंस में गाली देना। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये तुमको समझ ना आ रहा और बनने चले सेलिब्रिटी। जहाँ पे इसको बोलना चाहिए था, जिस पर्सन के सामने, वहाँ पे कुछ बोला नहीं, उसके सामने चुपचाप सॉरी बोल के आ चुका है। तो भाई मेरे सामने आएगा तो थोड़ा तब भी संभल के रही हो। देखो जी, बठिंडा के बादशाह, एक तो 7XL मुंह लेके विदाउट नेक लेके आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ऊपर से जो आपने चेहरे पर लगाया इसको बोलते हैं सनग्लासेस। ये पहने तब जाते हैं जब सन में निकलना हो, सूरज जब पड़ रहा हो तब ग्लासेस पहनते हैं ताकि उसकी किरणें अंदर ना आए, लेकिन आपने इंडोर में पहनी है, पता लगता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो। दूसरी बात ये है, उसको एक मैच्योरिटी लेवल बोलते हैं कि कोई बंदा अगर तुमसे लड़ रहा है या झगड़ रहा है तो तब सॉरी बोल के निकल जाओ। और जो आपने लास्ट में बोला उसको भी थ्रेट बोलते हैं। अगर अगला बंदा ये पॉइंट उठा के बोल दे फिर भी तुम इकट्ठे हो जाओगे, इतनी अमीर होगी पे इतने बेशन पहनेगा तुम्हें, बेशन बेशन जुत्ती मेरी। अपनी तरफ से जॉन अब्राहम बन के आया, उबला हुआ नन्हे पाटे कर लग रहा है। ठीक है, मेरे लिए अच्छी बात है, बट गाली देके उसने गलती कर दी। रोज करता अपने तरीके से करता, शायद उसकी माँ ने उसे यही सिखाया कि लड़कियों को गाली देके तू बात कर। हाँ चंद्रिका आंटी, शायद आपकी माँ ने भी यही सिखाया कि एक साइड की स्टोरी सुन के दूसरे बंदे का करेक्टर जज कर लो, उसी बात को बार बार उठा के क्लाउड ले लो। तेज हो रही आंटी है, तेज हो रही। तो भाई अपने उलटवार कहते ना, आप किसी को देते हो तो वो वापस भी आता है। नहीं, डबल मीनिंग में तो ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट अगर दोनों लड़के हों। ये काट देना। Would you want to see that? अगर मुझे एक फैमिली बिग बॉस का घर बोला, बिग बॉस का घर नहीं, घर 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 बिग बॉस का, आपने बिग बॉस का घर बोला, नहीं दे कंटेस्टेंट, दे नॉट फैमिली मेंबर्स, घर फाइटिंग है ना, फाइटिंग। इसको कोई हाजमोला गिल्ली करके मारो, इतना भी कोई डंब हो सकता है? इतना भी कोई हो सकता है? उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, बिग बॉस का जो घर है, जितने भी मेंबर्स हैं उनसे आप बाहर मिलना चाहेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट रखना चाहेंगे? कहती नहीं। पहले तो मेरी बात सुनो, आपने घर बोला, ऊपर से मेंबर्स बोला, तो फैमिली मेंबर्स के साथ कंपेयर ना। और तू पागल है, पागल है तू, बेफ कुनी कुनी लॉजिक, मैं प्लेटा चाक के मारू, कोई लॉजिक मान रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। भी चीज कहूंगी कि आप पे प्राउड था कि आप कभी किसी लड़की के बारे में कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लिप्स ऐसे आई है जिनके लिए मैं हर्ट हुई। लड़का किसी लड़की को मोटी भी बोल देना, कलेश बढ़ जाएगा, कलेश एम्पावरमेंट वाली सारी कट्ठी हो जाएंगी। ये जितनी फेमिनिस्ट है कट्ठी हो जाएंगी, हम इंडिपेंडेंट, हम ये सब करना शुरू कर देंगी। लड़की चाहे किसी लड़के की मार जाए तब कोई नहीं बोलता। इसको इतनी टेंशन पड़ गई कि विशाल, तू विशाल पालना है,
तू विशाल नू रिश्ता देना, तू विचो की लड़ा देना, आंटी तेरा की ले। पागल, मैं ये वीडियो बनाता बनाता हंस रहा हूँ अपनी हरकतों में, ये कर क्या रही है। देख भाई, कनॉट प्लेस की दिनचक पूजा बस कर जा, इसके बाद तेरा कोई इंटरव्यू देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बाद तेरे पे कोई वीडियो नहीं बनेगी। अंटिल एंड अनलेस तुम ऐसी कोई हरकत करोगे तो फिर 6-7 वीडियो निकलेंगी। सिर्फ इसी औरत की वजह से, इकलौती इसी औरत की वजह से मैं किसी भी शहर में वड़ा पाव नहीं खा रहा हूँ, मेरे अंगों में कुछ अजीब सा होने लग जाता है। ये तो पता ही नहीं था, ये किसी को दिखाया ही नहीं है, तो वो रहने के लायक नहीं है उस घर में, उसे पहली फुर्सत में निकलना चाहिए। क्योंकि जब आप एक लड़की के बारे में उसको जज कर रहे हो यार, उसकी बॉडी को जज कर रहे हो, और वो दिख रहा है आपकी आंखों में। पागल, इतना फ्रस्ट्रेटेड मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ इसकी इंटरव्यूज की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसके इंटरव्यूज की वजह से। जहां जहां नसें होती ना सारी फट जाएंगी, इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए बस मेरे को जिंदगी में, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, सेम लेवल का चाहिए। और जितने भी लोग इसका इंटरव्यू ले रहे हैं भाई, ये रिक्वेस्ट है, इसको जाने दो दुकान पे, इसको बेच लेने दो वड़ा पाव, मत करो, खत्म करो इसका, खत्म करो यहीं पे। भाइयों याद करवा दूं कैसे मैंने 1000 से स्टार्ट किया था और 39,000 मैंने अर्न किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ। अभी तो एक इंटरव्यू मिली मुझे कृतिका और पायल की, उसमें कृतिका ये बताना चाह रही है कि दोनों हम एक साथ प्रेग्नेंट कैसे दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गए, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि प्रेगनेंसी हमने, इसमें क्या स्टोरी, इसमें चाचा चौधरी और साबू वाली स्टोरी है। एक प्रोसीजर होता है, वो किया, प्रेग्नेंट हो गए, दैट्स इट। चाहे इंसान का बच्चा हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, कीड़े का हो, सबके एक ही प्रोसेस है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी होती है। तुम्हारी अलग स्टोरी है। तो जब सेकंड टाइम फिर पायल ने ट्राई किया तो फिर पायल का पॉजिटिव आया, तो हम दोनों के अंदर 1 month का फर्क है। अच्छा, चलो शुक्र है ये आप सबने क्लियर कर दिया कृतिका जी, क्योंकि लोग ना बड़ा गलत गलत सोच के बैठे थे, बड़ा और कुछ सोच के बैठे थे कि इनमें फर्क कोई नहीं हो सकता। बाकी ये बोलने का समझ तो गए होंगे आप, बट अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया, नहीं तो लोग बहुत कुछ सोच रहे थे। सो माई लवलीज एंड जितने भी लौंडे देख रहे हैं, आज की वीडियो यही तक, आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत मजा आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आते हैं हर हफ्ते। नेक्स्ट जो वीडियो है काफी एंटरटेनिंग होने वाली है, टॉपिक हमारे पास है, 1-2 दिन में शूट करके पोस्ट करेंगे, तब तक के लिए बने रहना। एंड इंस्टा और स्नैपचैट पर अगर ऐड करना चाहो तो यहाँ पर कहीं पर डब्बा दिख रहा होगा तुम्हें, उसमें मेरे यूजर नेम है, जाके ऐड कर लो, बातें करेंगे वहां पे गंदी गंदी। मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार ये बकचोदी है ना किया करो, कसम से बता रहा हूँ, बहुत गंदे लगते हो आथू।